have stopped them beforehand if they were identified and we knew who they were. It was a failure of intelligence. Everyone's accepted. No, it wasn't. We knew before with Condoleezza Rice's memo on August 6th when it stated right in the memo, Bin Laden to steal planes and run them into buildings. And more stuff is coming out now also, how much the Bush administration ignored the intelligence. It was almost like they ignored it because they wanted it to happen. Oh, come off it, Jesse. No, not oh, come off it. Wait a minute. Every war fought starts with a false flag operation. One of the major reasons log 9/11 being a government plan wali conspiracy theory ko believe nahi karte hain is because zyadatar log apne emotions ke sath sochte hain. Logo ko lagta hai ki haan government ulte seedhe kaam karti hai kai baar, lekin government itna zyada kuch nahi kar sakti, itne extreme level pe nahi ja sakti ki government ek terrorist अटैक ही प्लान कर दे. लोग कहीं ना कहीं बिलीव नहीं कर पाते हैं कि गवर्नमेंट दो प्लेन्स को क्रैश करा सकती है दो बिल्डिंग में. और अगर गवर्नमेंट ने ये चीज करी भी है तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर रीजन फॉर इट. इस सीरीज के एपिसोड 2 में हमने डिस्कस करा था कि कैसे अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये चीज प्लान करी हो और क्यों करी हो. लेकिन स्टिल ये सारे रीजन कहीं ना कहीं इनफ नहीं थे कुछ लोगों के लिए कि वो प्रॉपरली इस कंस्पिरेसी थ्योरी में मान सके कि 9/11 वाज अ गवर्नमेंट प्लान. बिल्डिंग्स में ऑलरेडी बॉम्ब्स होना फॉर डेमोलिशन, प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग और ट्विन टावर्स के ओनर का महीनों पहले ही टेररिज्म इंश्योरेंस लेना एंड अटैक के बाद में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेना एंड साथ ही साथ पेट्रियट एक्ट का लगना इज स्टिल नॉट इनफ फॉर पीपल टू बिलीव कि ये एक गवर्नमेंट प्लान था. कहीं ना कहीं हम सारे सोचते हैं कि एक बहुत ही बड़ा रीजन होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे. एंड व्हाट इफ, मैं तुम्हें रीजन बताऊं, व्हाट इफ देयर इज वन रीजन, वन स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये टेररिस्ट अटैक कराया हो. लेकिन ऐसा क्या ही रीजन हो सकता है, इस एपिसोड में हम उसी रीजन को डिस्कस करेंगे. और हो सकता है ये रीजन सुनने के बाद तुम ऑलमोस्ट इस कंस्पिरेसी थ्योरी को एक फैक्ट ही मान लो. I know कि हम सीरीज में काफी आगे आ चुके हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक डिस्कस करी है कैन बी वेरी माइंड ब्लोइंग. लेकिन इस सारी इन्फॉर्मेशन को सुन के मजा तो आता है लेकिन साथ ही साथ मूड काफी सीरियस सा हो जाता है. आई हैव समथिंग जो तुम्हारे मूड को सीरियस से हटा के थोड़ा फन के साइड ले जाएगा. मैं तुम्हें बताता हूँ इंडिया के अपने गेम जूपी के बारे में, जूपी लूडो. इस गेम के अंदर तुम अपनी स्किल दिखा के लाखों के इनाम जीत सकते हो. आई नो कि तुम लोगों के कंपैरिजन में मेरी लूडो के अंदर जो स्किल्स है वो इतनी अच्छी नहीं होंगी, इस वजह से मैं बाकी गेम्स भी ट्राई करता हूँ जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स. जूपी के साथ तुम इंडिया के 7 करोड़ रियल प्लेयर्स के साथ अपनी स्किल्स टेस्ट कर सकते हो. तो जूपी में जाके अपनी स्किल्स टेस्ट करो विद रियल प्लेयर्स. आई नो कि तुम सब ये सोच रहे हो कि कोई विनिंग अमाउंट मिलता है या नहीं और मतलब उसको विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, कितने टाइम में विड्रॉ कर सकते हैं. तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जूपी की विनिंग्स तुम इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो अपने UPI पे और ये 100% सेफ एंड सिक्योर है. तुम मजेदार गेम्स खेल सकते हो और वो भी सिर्फ 1 रुपी के साथ. और ऊपर से TDS और GST जो कटेगा वो आपको वापस मिल जाएगा कैश बैक के फॉर्म में. देखा जाए तो ये काफी अच्छा ऑफर है. तुम सब के लिए ज्वाइन करना इजी बनाने के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वरना तुम zoopy.com पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो. और हाँ सुनो, साइन अप पे मिल रहा है 10 रुपीज का बोनस. क्योंकि जब हर कोई खेल रहा है इंडिया का अपना गेम तो तुम क्यों पीछे रहो, गो एंड ट्राई जूपी. प्लेन क्रैश के बाद दोनों बिल्डिंग्स, दोनों ट्विन टावर्स पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए, ये तो हम सबको पता है. लेकिन इन दो बिल्डिंग्स के साथ साथ एक तीसरी बिल्डिंग भी थी जो कोलैप्स करी थी और ये बिल्डिंग थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग 7. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग 7 के अंदर CIA, साथ ही साथ IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, US सीक्रेट सर्विस और ऑफिस ऑफ एमरजेंसी मैनेजमेंट, इन चारों के ऑफिस थे उस बिल्डिंग में. ये बोला जाता है कि जब दोनों ट्विन टावर्स नीचे कोलैप्स करे थे तो जितना भी कॉन्क्रीट और स्टील साथ में नीचे गिरा था वो सारा कॉन्क्रीट और स्टील कहीं ना कहीं गिरा था बिल्डिंग 7 की तरफ, जिसके वजह से बिल्डिंग 7 ने काफी डैमेज लिया था और इसी चीज की वजह से बिल्डिंग 7 में आग लग गई थी. और घंटों तक उसी आग के लगे रहने की वजह से बिल्डिंग 7 कोलैप्स करी थी. मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखाता हूं उस फायर की जो बिल्डिंग 7 में लगी हुई थी. डू यू रियली थिंक कि
इस साइज की आग की वजह से एक पूरी बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। और कमाल की बात यह है कि बिल्डिंग के जितने भी स्प्रिंकलर्स थे जो उन्होंने ऐसी सिचुएशन के लिए लगाए हुए थे, उनका कुछ इफेक्ट ही नहीं था आग पे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो स्प्रिंकलर्स कभी चले ही नहीं थे। मैं तुम्हें फुटेज दिखाता हूं ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग 7 फॉलिंग डाउन। मैं बिल्डिंग 7 के कोलैप्स की वीडियो दिखाता हूं तुम्हें, एंड एक पॉइंट पे तो इट बिकम्स हिलेरियस, तुम्हें हंसी आ जाएगी देख के कि किस तरीके से पूरी बिल्डिंग गायब ही हो गई थी। हाउ कैन यू नॉट थिंक कि बिल्डिंग 7 में भी बॉम्ब्स थे फॉर डेमोलिशन? एक बार खुद देखो जिस तरीके से बिल्डिंग 7 नीचे गिरी है, कैसे एक इंसान नहीं सोच सकता कि ट्विन टावर्स के साथ साथ इस बिल्डिंग में भी बॉम्ब्स थे? क्योंकि किसी भी बिल्डिंग में अगर आग लगी हुई है तो वो सीधा सीधा स्ट्रेट अप नीचे नहीं गिर सकती बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का सीधा ऐसे नीचे गिरने की वजह एक डेमोलिशन ही हो सकती है। अगर 9/11 की पूरी डेमोलिशन थ्योरी सच है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान को या कुछ ना कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। एंड आई थिंक ये कुछ लोग मीडिया वाले थे, आई थिंक मीडिया हाउसेस को ऑलरेडी पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो प्रिपेयर्ड थे इस चीज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए पूरी दुनिया को, क्योंकि बाय चांस अगर इस पूरे प्लान में, इस पूरे गवर्नमेंट प्लान में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होती तो मीडिया ही एक ऐसा तरीका था जो पूरी दुनिया से इस सच को छुपा सकता था, उस गड़बड़ को छुपा सकता था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मीडिया को ऑलरेडी पता था इस चीज के बारे में, मैं तुम्हें क्लिप दिखाता हूं ऑफ अ न्यूज ब्रॉडकास्ट जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग 7 कोलैप्स कर चुकी है। मैं तुम्हें एक ब्रॉडकास्ट दिखाता हूं ऑफ बीबीसी, एक बार खुद देखो। जेन, व्हाट मोर कैन यू टेल अस अबाउट द सलमान ब्रदर्स बिल्डिंग एंड इट्स कोलैप्स? Well, only really what you already know. Details are very, very sketchy. There's almost a sense downtown in New York behind me, down by the World Trade Centers, of just an area completely closed off as the rescue workers try to do their job. But this isn't the first building that has suffered as a result. We know that part of the Marriott Hotel next to the World Trade Center also collapsed as a result of this huge amount of falling debris. Is broadcast me, ye jo स्पेसिफिक लेडी है ये पूरी दुनिया को बता रही है कि बिल्डिंग 7 नीचे कोलैप्स कर चुकी है, गिर चुकी है पूरे तरीके से। उस लेडी के बैकग्राउंड को एक बार नोटिस करो, तुम्हें दिख रही होगी पीछे काफी सारी बिल्डिंग्स हैं, और तुम्हें लेडी के पीछे भी एक बिल्डिंग दिख रही होगी, तुम्हें पता है वो बिल्डिंग कौन सी थी? इट वॉज बिल्डिंग 7। जो इस ब्रॉडकास्ट के टाइम लेडी के पीछे बिल्डिंग है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग 7 है। गलती से इस न्यूज चैनल ने जो न्यूज थोड़े टाइम बाद दिखानी थी, थोड़े टाइम बाद ब्रॉडकास्ट करनी थी, वो गलती से पहले ही कर दी, जबकि बैकग्राउंड में वो बिल्डिंग अभी भी खड़ी है और दिख रही है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि बीबीसी ने प्रेडिक्ट ही कर दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर उन्हें ऑलरेडी ही पता था कि ऐसा कुछ होगा एंड दे वर रेडी कि हम इस चीज को ब्रॉडकास्ट कर देंगे। एंड आई थिंक खाली मीडिया वाले लोग ही ऐसे नहीं थे जिनको पता था कि ऐसा कुछ अटैक होने वाला है और बिल्डिंग्स कोलैप्स करने वाली है, कुछ लोग और भी थे एंड वो लोग थे स्टॉक मार्केट वाले। तो बताएं 9/11 से पहले काफ़ी सारे स्टॉक मार्केट वाले जो लोग थे उन्होंने अपने स्टॉक्स बाय आउट कर लिए थे। 9/11 होते ही अमेरिकन और यूनाइटेड एयरलाइंस के स्टॉक्स एकदम नीचे गिर गए थे। स्टॉक मार्केट में एक तरीका होता है जिसके थ्रू तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किसी कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तुम्हें पता है 9/11 से एक दिन पहले क्या हुआ है? अमेरिकन और यूनाइटेड एयरलाइंस के स्टॉक्स की प्रिडिक्शन करी गई थी और 80% स्टॉक ओनर्स ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि इन दोनों के स्टॉक्स नीचे गिरने वाले हैं। 80% लोगों ने, हाउ इज इट पॉसिबल कि 80% स्टॉक ओनर्स को या फिर जिन लोगों ने प्रेडिक्ट करा उन्हें पहले से ही पता था कि एक दिन बाद बहुत ज्यादा स्टॉक प्राइसेस गिरने वाले हैं इन दोनों कंपनीज के। इस एक चीज ने पूरी 9/11 कंस्पिरेसी थ्योरी को ऑलमोस्ट एक फैक्ट ही बना दिया था कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक दिन पहले ही 80% स्टॉक्स के प्रेडिक्शंस हो चुकी थी कि यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस के स्टॉक प्राइसेस नीचे गिरेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? लोगों को पता होना चाहिए था, कहीं ना कहीं लोगों को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब तुम्हें बताता हूं मैं सबसे मेजर रीजन जो कहीं ना कहीं इस कंस्पिरेसी थ्योरी को एक फैक्ट ही बना देता है। 9/11 से पहले जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे डोनाल्ड रम्सफेल्ड, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी। Our financial systems are decades old. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. We cannot share information from floor to floor in this building.
because it's stored on dozens of different technological systems that are inaccessible or incompatible. डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने अनाउंसमेंट करी थी कि यूएस गवर्नमेंट और यूएस डिफेंस ने 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स घुमा दिए हैं। उनके पास हिसाब ही नहीं है 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का। ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने खुद आके बोला था कि उनके पास 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स मिसिंग है। उन्हें पता ही नहीं है कि 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स कहां गए, किसके पास गए। उनके पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं है इस चीज की। 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ टैक्स मनी जो यूएस की पॉपुलेशन ने टैक्स के थ्रू दिया हुआ था गवर्नमेंट को, वो गायब है। अगर उस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट डिसाइड करती कि वो अपने हर एक सिटीजन को, हर आदमी को, हर औरत को और हर बच्चे को ये 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स बांटना चाहती, तो कम से कम हर एक इंसान को $8,000 मिलते। हर एक इंसान को, ये इतना बड़ा अमाउंट था। इस एग्जांपल से तुम समझ सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट यूएस गवर्नमेंट और यूएस डिफेंस ने खो दिया था। ये एक बहुत ही खतरनाक न्यूज थी और ये न्यूज लोगों को जब पता चली तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ज्यादा। लोग प्रोटेस्ट करने उतर गए थे कि उनके टैक्स बनी के साथ क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े अमाउंट्स गायब हो रहे, और लोग सड़कों पे उतर आए थे। ये एक बहुत ही खतरनाक न्यूज थी फॉर द गवर्नमेंट। और तुम्हें पता है कि ये न्यूज कब निकल के आई थी बाहर? ये न्यूज बाहर आई थी 10th September को, 9/11 से एक दिन पहले, जस्ट वन डे बिफोर 9/11। अब तुम डॉट्स कनेक्ट कर ही सकते हो और तुम समझ ही रहे होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार खुद सोचो, 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक मेस को कवर अप करने के लिए, आई थिंक एक गवर्नमेंट एक टेररिस्ट अटैक तो करा ही सकती है। क्योंकि अगर ये न्यूज ज्यादा स्प्रेड होती तो यूएस की और यूएस गवर्नमेंट की काफी ज्यादा बेइज्जती हो सकती थी, काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जा सकता था यूएस का। और गेस करो, जिस दिन ये न्यूज बाहर आई उसके अगले दिन क्या हुआ? उसके अगले दिन दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हो जाता है और दुनिया का ध्यान सबसे बड़े इकोनॉमिक मेस से हटके दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक पे आ जाता है। इट ऑल मेक्स सेंस नाउ। और ये जो पूरा 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स बेसिक वाला केस है, ये इतना बड़ा पर्पस दे देती है गवर्नमेंट को टू प्लान अ टेररिस्ट अटैक। एंड आई थिंक यही एक फैक्ट है जो मिसिंग था इस पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी में, क्योंकि ये फैक्ट जो है वो सबसे बड़ा पर्पस बन जाता है फॉर दिस होल एक्ट, दिस होल प्लानिंग, कि गवर्नमेंट ने दो प्लेन्स क्रैश करा दिए ट्विन टावर्स में। एक बार खुद सोचो, तुम गवर्नमेंट के जगह होते तो क्या तुम नहीं करते ये चीज? आई नो तुम में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम तो ये नहीं करते, कितने इनोसेंट लोग मर गए थे, एंड आई गेट दैट। लेकिन अभी हम गवर्नमेंट लेवल पे हैं नहीं, तो हम उस लेवल पे सोच भी नहीं सकते। एक और फन फैक्ट बताता हूँ। जिस दिन 9/11 हुआ, उस दिन तुम्हें पता है किस इंसान की मीटिंग थी ट्विन टावर्स में? माइकल जैक्सन की। माइकल जैक्सन की एक प्रॉपर मीटिंग थी 9/11 के दिन, लेकिन वो मीटिंग क्यों नहीं हुई? बिकॉज माइकल जैक्सन ओवरस्लेप्ट। माइकल जैक्सन रात को लेट सोए थे एंड इस वजह से उनकी वो कभी मीटिंग ही नहीं हुई और उस दिन टेररिस्ट अटैक हो गया। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि ऐसा कुछ हुआ होगा। माइकल जैक्सन के पास जितनी पावर थी उस टाइम यूएस में, आई डोंट थिंक किसी और पॉप स्टार की थी, क्योंकि माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ा एसेट था फॉर यूएस इकोनॉमी। माइकल जैक्सन से जितना पैसा आता था यूएस गवर्नमेंट को और यूएस के अंदर, इट वॉज अनबिलीवेबल। एंड माइकल जैक्सन का वहां जाना ट्विन टावर्स में और वहां पे टेररिस्ट अटैक हो जाना और माइकल जैक्सन का मर जाना, ये चीज गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इस चीज से ये और कंस्पिरेसी थ्योरी जुड़ी हुई है कि माइकल जैक्सन बीइंग माइकल जैक्सन एट दैट टाइम, ही न्यू समथिंग अबाउट द टेररिस्ट अटैक। माइकल जैक्सन को क्लू था या फिर पूरा प्लान ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, एंड उसके बाद माइकल जैक्सन वहां नहीं गए। ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है कि माइकल जैक्सन न्यू कि वहां पे क्या होने वाला है।